हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और चावल की खीर। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की, जिसके लिए मैंने पनीर को काट लिया है और उसे हल्के से फ्राई कर लिया है। अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में हल्का सा तेल, 2 सूखे मिर्ची, 4-5 काजू, 4 टमाटर और थोड़े से कटे हुए मिर्ची डालकर मैं इसे अच्छे से फ्राई कर दूँगी और उसके बाद उसे मैं एक बर्तन में साइड कर लूँगी। जब तक ये फ्राई हो रहा था तो मैंने सोचा मटर को भी मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, तो मैंने मटर बॉईल करने में लगा दिया है। अब चलिए, मैं वो जो अपना पेस्ट था वो सारा उसे बनकर तैयार हो गया है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप पेस्ट बनाएं तो वो टमाटर को हल्का सा फ्राई करके उसे थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दें। तो मैं उसे ठंडे होने के लिए उस बीच में रख दी थी और उसके बाद उसकी मिक्सी में मैं उसे पेस्ट बनाकर तैयार कर ली हूँ। और अब मैंने वो अपनी कढ़ाई धो लिया है। कढ़ाई धोने के बाद मैंने इस में फटाफट थोड़े से जितने 3-4 मसाले जो होते हैं, हल्दी मसाला, हल्दी मिर्ची, सारे मसाले डाल दिए हैं हल्का से तेल डालने के बाद। और जो मैं पेस्ट बनाई थी अपने टमाटर वाली, वो उसके ऊपर डाल दी हूँ। जब वो हल्का से ब्राउन हो जाए तो उसके बाद अब धीरे धीरे करके मसाला डाल दी। मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर और हल्की सी काली मिर्ची, ये सब डालकर उसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब वो मसाला आपका पूरा सूखने लगे तो उसके बाद आप जो भी बॉईल किया हुआ मटर डाले थे उसे मैं डाल दी हूँ। मटर डालने के बाद उसे अच्छे से मिला लिए। उसके बाद उसमें नमक आप अच्छे से डाल दिए। नमक डालने के बाद फट में इसे और अच्छे से मिला कर दी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पनीर डाल दिया अपना फ्राई किया हुआ। उसके ऊपर पनीर डालने के बाद जब वो थोड़ा मिल जाए तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल दें। आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। गर्म पानी डाल के इसके ऊपर से हल्का सा गर्म मसाला डालकर आप इसे ढककर रख दें। थोड़ी देर जब हो जाएगी तो आप देखिए कि अब कितना अच्छा कलर आया है। चलिए, तो अब मैं धनिया पत्ता फटाफट काट लेती हूँ। और मैंने धनिया पत्ता काट लिया है और इसे सर्व करने के लिए आप ऊपर से हल्का सा धनिया पत्ता डाल दीजिए। इसका टेस्ट और स्मेल भी बहुत ही अच्छा आता है। मैंने बाद में इसमें हल्का सा घी भी डाला था जो मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, तो आप हल्का सा घी भी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसे ढककर गैस बंद कर रख दीजिए और उसके बाद 10-15 मिनट बाद आराम से खाएं। तो चलिए, अब मैं बनाती हूँ फटाफट चावल की खीर। तो चावल की खीर बनाने के लिए मैंने थोड़े से चावल फूलने के लिए रख दिया था। चावल जब हल्का सा फूल जाए, ज़्यादा नहीं, जब आधा घंटा, उसके बाद उसमें से मैंने थोड़ा सा चावल और काजू अलग से निकाल दिया है और उसे मैं पीस लूँगी, क्योंकि उसके पीसने के बाद उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और बाकी जो चावल था, मैंने जब दूध बॉइल हो गया है तो मैं जो भी चावल मेरा बचा हुआ था वो सारा चावल डाल दी हूँ। तो इसमें मैंने लिया था 1 किलो दूध, जिसमें मैंने मात्र 50 ग्राम ही चावल लिया था। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वरना वो हल्का सा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है चावल, तो ऐसे आपको अच्छा लगता है। तो जब मेरा चावल अच्छा से थोड़ा देर पक जाए, 5-10 मिनट बाद, तो जो मैंने पेस्ट बनाया था, मैंने जो पेस्ट बनाया था उसे डाल दिया। उसके बाद चीनी डाल के इसे अच्छा से मिला ले और थोड़ा देर बाद आप इसे सर्व करें। और आपके पास ड्राई फ्रूट्स होंगे तो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये गर्मा गर्म रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स।